ओके दोस्तों, तो स्वागत है आपका AWS लर्निंग के नए वीडियो सेशन में। हाँ, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। एंड आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे AWS वर्क मेल एंड वर्क डॉक्स। सो आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ जो AWS की नई सर्विस स्टार्ट हुआ है, वर्क डॉक्स एंड वर्क मेल लेटेस्ट सर्विस है, एंड इसमें क्या फीचर वो प्रोवाइड कर रहे हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम मैसेजिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं AWS में इजीली। सो एक बार इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं, किस तरीके का फीचर है ये चेक कर लेते हैं, और क्या आपको फ़ायदा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्कमेल और वर्क डॉक्स दो सर्विसेज की जो हम बात कर रहे हैं वो है क्या, आखिर हम एक बार ये चेक कर लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम सबसे पहले ये समझें कि जो सर्विस हम लर्न कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है, क्या हम यूज़ करेंगे उसको, और किस तरीके से हम अपने लिए प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सर्विस है वर्क डॉक्स एंड वर्क मेल्स, ये किस लिए है मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ। वर्क मेल जो सर्विस है, सपोज़ कीजिए आप अपना एनवायरनमेंट, आपके पास आपकी कोई अपनी कंपनी है और उसमें 50 यूजर्स और मोर देन 50 यूजर्स, जितना भी आप यूजर्स उसमें चाहें हो सकते हैं, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आप चाहते हैं कि हर किसी के पास एक ईमेल आईडी हो, हर किसी के पास एक अपना मेल बॉक्स हो, सो दैट आप अपनी कंपनी के नाम से एक मेल बॉक्स सर्विसेज को सेटअप कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा किसी भी कंपनी में आप जाओगे तो आपको आउटलुक या गूगल ऐप्स या लोटस नोट्स, कुछ मैसेजिंग सर्विसेज होती हैं जो कंपनीज यूज़ करती हैं। इसी तरीके से अभी मार्केट में जब AWS इंफ्रा की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसने एक नया सर्विस दिया है आपको जो कहलाता है वर्क मेल। सो वर्क मेल के थ्रू आप इजीली अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपनी कंपनी के लिए मेल बॉक्सेस सेटअप कर सकते हैं। यू विल वर्क एज एडमिनिस्ट्रेटर, और आप उसमें अपने नए यूजर्स जो भी आपके एम्प्लॉयज़ की ईमेल आईडीज़ हैं वो सेटअप कर सकते हैं उसमें भी। और अच्छी बात क्या है इसमें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कंपनी का जो नाम है वही आपके डोमेन के लिए यूज हो, वही सेम डोमेन के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। और यूजिंग राउट 53 सर्विस आप अपने कंपनी के डोमेन को मैप कर सकते हैं वर्क मेल के सर्विसेज के थ्रू। तो सपोज कीजिए आपने अपनी कंपनी का नाम है सपोज कीजिए मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, www.aws-learning.com। तो अगर मैं अपनी मेल वेबसाइट खोलूंगा www.aws-learning.com, ये राउट 53 की सर्विस के थ्रू हम इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं अपने वर्क मेल वाले URL पे, और उसके थ्रू यूजर्स अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के सिंपली लॉगिन करेंगे, और उनको गूगल मेल्स या जैसे दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एक ऐसा मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा, और वहां से आप किसी भी ईमेल एड्रेस पे मेल भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो है ना अच्छी सर्विस। इसी के साथ में जो नया सर्विस स्टार्ट किया है वर्क डॉक्स, विच इज ऑल्सो सिमिलर, अगर आपने सुना होगा वन ड्राइव आप शायद यूज कर रहे हो, या वन बॉक्स यूज कर रहे हो, या आप गूगल ड्राइव यूज कर रहे हो, जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। आपने कोई वर्ड की फाइल बनाई या एक्सेल की फाइल बनाई, आपको हर कंप्यूटर पर अलग अलग मैनेज करने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही प्लेस पे रखो क्लाउड में, अपना आपने अपलोड किया और जिन यूजर्स के साथ आपने शेयर किया है वो यूजर्स उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। सो दिस मेक्स योर वर्क इजी, आप कोई भी फाइल किसी के साथ शेयर कर सकते हो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, और जिस पर्टिकुलर यूजर के साथ, चाहे वो आपकी कंपनी में है या कंपनी से बाहर है, अगर आप उसके साथ शेयर करना चाहते हो वो फाइल तो आप इजीली शेयर कर सकते हो। आप उसको रिस्ट्रिक्ट रखना चाहते हो, आप चाहते हो वो डिलीट ना कर पाए, सिर्फ उसको रीड कर पाए, आप वो भी कर सकते हो। तो बहुत सारी सर्विस इस तरीके की, बहुत सारे यूजफुल एग्जांपल हैं जो आप यहाँ कर सकते हो। दूसरा, अभी तक हम लोग किसी भी अगर आप देखोगे तो किसी भी कंपनी में अगर आप जाओगे तो इसके बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स एक बार चेक कर लेते हैं। अभी तक अगर आप सपोज करो कोई भी कंपनी अगर एनवायरनमेंट को सेटअप करना चाहती है तो वहां पर उसके पास पहले उसको सर्वर सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद OS इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद एक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, फिर उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तब आप उसमें उस मैसेजिंग एनवायरनमेंट को यूज़ कर सकते थे। इस समय क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा अपफ्रंट कॉस्ट लगती है, लाइक अगर आप
सर्वर्स परचेज करोगे तो सर्वर्स का कॉस्ट है, उसके बाद उसमें आपको आपका स्किल सेट होना चाहिए कि आप विंडोज या लाइनक्स कुछ ओएस डालो, उसके बाद आपको एक मैसेजिंग के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा, मैसेजिंग के सर्विस सपोज करो अगर आप एक्सचेंज यूज करना चाहते हो तो आपको वो भी सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू AWS, क्या कर रहा है यहाँ पे, वो तीनों पार्ट आपके मैनेज कर रहा है बाय इटसेल्फ। सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है, आपका जो डोमेन है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आप वो डालिए, आपको वो सेटअप करना है, आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर सेटअप करना है और वो एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन करेगा मेरे यूजर्स क्या क्या मेरे यूजर्स हैं और उन सब यूजर्स के लिए मेलबॉक्स इजीली रेडी हो जाएगा। सो ऑल दिस पार्ट्स जो अभी तक आपका लगता था, सर्वर्स लेना है, ओएस इंस्टॉल करना है, मैसेजिंग सॉफ्टवेयर लाना है, उसको कैसे कन्फिगर करेंगे, सारा हेडेक आपका अभी AWS ने ले लिया है। सो दूसरा बेनिफिट, आपको कोई भी अपफ्रंट फीस नहीं देना है, आपने जितना भी यूज करेंगे ये पर यूजर्स बेसिस पे पर मंथली कॉस्ट चार्ज करेगा। सो उसका फायदा क्या है कि आपका कोई हैवी कॉस्ट नहीं लगता, अदरवाइज अगर आप ये सर्विसेज यूज करते थे तो इसमें काफी ज्यादा हैवी कॉस्ट आपका लगता था, सर्वर्स का कॉस्ट होगा, ओएस का कॉस्ट होगा, लाइसेंस का कॉस्ट होगा, मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का कॉस्ट होगा, उसके लाइसेंस का कॉस्ट होगा। यहाँ पे आपका ये सारा हेडेक खत्म है और आप सिंपली एक अपना मैसेजिंग सेटअप करने के बाद आपको कोई अपफ्रंट फीस भी नहीं देना है। वन मंथ के लिए आप 50 यूजर्स के फ्री ट्रायल अकाउंट के साथ जा सकते हो, आफ्टर वन मंथ पर यूजर बेसिस पे पर मंथली आपके पास बिल आएगा। सो जो टोटल अपफ्रंट कॉस्ट था, जो हमारे सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है कि हमको ये सब चीज़ें सेटअप करना है, वो सब हमारा रिड्यूस हो जाता है। और मोर ओवर आपको अपना कोई डेटा सेंटर भी सेटअप नहीं करना, जो उस पर कॉस्ट आता था ACs का, आपको एक परमानेंट स्पेस ऑक्यूपाई करना होता था, कुछ नहीं, सिंपल। सो है ना, अच्छा, गुड। सो हमने देखा बेनिफिट्स क्या क्या हैं, बेनिफिट्स हमको पता लग गए हैं, अब इसको सेटअप कैसे करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, आप सेटअप किस तरीके से करेंगे। तो एक बार ये चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से सेटअप करेंगे। इसके लिए मैं अपने AWS अकाउंट पर लॉग इन करता हूँ, अभी मैं AWS लर्निंग के अकाउंट पर लॉग इन किया है मैंने। इसमें अगर आप सर्विसेज में जाओगे तो सर्विसेज में आपको एंटरप्राइज सर्विसेज मिलेगा, एंटरप्राइज सर्विसेज के अंदर आपको वर्क मेल और वर्क डॉक्स बहुत सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पर है, बिजनेस प्रोडक्टिविटी, बिजनेस प्रोडक्टिविटी में आप वर्क मेल एंड वर्क डॉक्स सर्विसेज को यूज कर सकते हो। मैं वर्क मेल पे क्लिक करूंगा, अभी करंटली ये सर्विसेज तीन रीजन में अवेलेबल है, EU आयरलैंड, US ईस्ट, US वेस्ट। US वेस्ट के और मैं रीजन अभी चूज कर रहा हूँ यहाँ पर। जब आप एक बार रीजन चूज कर लेते हैं उसके बाद आपको सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन ऐड करना होगा अपने लिए, तो जो भी आपकी कंपनी का नाम है आप वहाँ पे डाल सकते हो। कंपनी को कैसे ऐड करेंगे एक बार वो देख लेते हैं, ऐड ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक कीजिए, क्विक सेटअप, अगर आप अपनी कंपनी को नया से सेटअप करना चाहते हैं तो आप क्विक सेटअप यूज कर सकते हो, अगर आपकी ऑलरेडी कोई एक्टिव डायरेक्टरी या कोई एग्जिस्टिंग वेलिंग सॉल्यूशन चल रहा है तो आप कस्टम सेटअप भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्विक सेटअप लूंगा, इसके थ्रू हम अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम या डोमेन का नाम देना है और आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जब आप क्रिएट करोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे स्टेटस आएगा क्रिएटिंग। मैंने अभी स्टार्ट कर दिया था तो आई ऑलरेडी हैव वन ऑर्गेनाइजेशन, सिंपली मैंने जैसे ही उसका क्रिएट हुआ है यहाँ पे पहले उसका स्टेटस क्रिएटिंग आ रहा था और अभी वो सेटअप हो गया है तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे रेडी हो गया। सो अभी हुआ क्या है, पीछे से जितना भी बैकएंड में एक्टिविटीज थी लाइक सर्वर सेटअप होना था या कुछ मेलिंग एनवायरनमेंट सेटअप होना था, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चलना था, वो सब कुछ बैकएंड में हो गया, हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। हमारे पास एक URL आएगा और उस URL को मैं यूज कर सकता हूँ। तो अभी मैं ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करता हूँ, अभी आप देखोगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होने के बाद मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ यूजर्स रहते हैं जो ऑलरेडी हैं और इसके बाद अब मैं नए यूजर्स अगर क्रिएट करना चाहूँ तो मैं नए यूजर्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं एक नया यूजर क्रिएट करता हूँ यहाँ पर,
एक एग्जांपल यूजर ले लेते हैं, जैसे AWS रनिंग ही ले लेता हूं मैं। तो यहां पे आपने देखा मेरा डिस्प्ले नेम रहेगा AWS रनिंग, मेरा यूजर नेम हो गया AWS रनिंग, मेरा फर्स्ट नेम AWS, लास्ट नेम लर्निंग। नेक्स्ट स्टेप, मेरा ईमेल एड्रेस होगा यहां पे AWS लर्निंग, मेरा पासवर्ड होगा यहां, मैं पासवर्ड जो भी यहां पे आप सेटअप करना चाहते हो आप यहां पे पासवर्ड सेटअप कर सकते हो, और सिंपली मैंने यूजर सेट करना है। तो यहां पे पासवर्ड की सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं हुआ है इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड देता हूं यहां पे, होपफुली इस टाइम पे नया पासवर्ड ले लेगा। ओके, सो मैंने एक नया यूजर क्रिएट कर दिया AWS लर्निंग और उसका मेरा ईमेल आईडी भी मिल गया है। सो अभी मुझे क्या करना है, अगर आप देखोगे यहाँ पे और भी जो मेलिंग एनवायरनमेंट के लिए कुछ ऑप्शंस चाहिए होते हैं वो सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मैं इस यूजर का पासवर्ड रीसेट करना चाहता हूँ तो मैं वो कर सकता हूँ, डिसेबल करना चाहता हूँ यूजर को डिसेबल कर सकता हूँ, मैं कोई नया ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूँ, एक ग्रुप जिसके अंदर काफी सारे यूजर्स हों, मैं ऐसा भी सेटअप कर सकता हूँ। बहुत सिंपल है ग्रुप क्रिएट करना, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने ग्रुप नेम दोगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दोगे और यहाँ पे सिंपली आप ग्रुप मेंबर सेट करोगे। मैं नहीं चाहता कि हमारा वीडियोस आपका बहुत ज़्यादा टाइम देखने में ही टाइम वेस्ट हो, तो मैं आपको ऑप्शंस शो करना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस है वो सब हम डिस्कस करेंगे। इसी के थ्रू आप वर्क रिसोर्सेज भी ऐड कर सकते हो, जैसे अगर आपके यहाँ कोई प्रोजेक्टर है या कोई रूम है आप वो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये सारे रिसोर्सेज आप कैलेंडर सर्विसेज में जब आप कभी रूम बुक करते हो तो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो सपोज करो आपके ऑफिस में कुछ रूम्स हैं, आप वो रूम्स एज ए रिसोर्स ऐड कर सकते हो और उस रिसोर्स में ऐड करने के बाद वो यूजर्स कैलेंडर के थ्रू बुक करा सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे रूम और इक्विपमेंट यहाँ पे दोनों डिटेल्स हैं और हर रिसोर्स का एक यूजर नेम भी ईमेल एड्रेस भी रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप मोबाइल पॉलिसीज भी अगर अपना कुछ सेटअप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मोबाइल पे जब अगर कोई यूजर मोबाइल पे ओपन करता है इसको तो क्या क्या कंडीशंस वहाँ पे सफिशिएंट मैट होना चाहिए वो कंडीशंस आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो इजीली एडिट मोड के थ्रू जाके, लाइक पासवर्ड लेंथ अगर कोई मोबाइल से एक्सेस कर रहा है तो कितना होना चाहिए, इनक्रिप्शन रिक्वायरमेंट है या नहीं, बाकी सब ऑप्शंस आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। अगर आप पासवर्ड की पॉलिसीज पासवर्ड अब आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को भी कम करना चाहते हो तो आप वो भी इजीली यहाँ ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स के थ्रू कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास जो यूज़र जो लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी है या जो लॉगिन करने के लिए मुझे यूआरएल चाहिए होगा, ये यूआरएल मैं अपने यूजर्स को शेयर करूँगा, विच विल आस्क यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। सो जो यूज़र मैंने क्रिएट किया है, सपोज कीजिए जैसे मैंने अभी AWS लर्निंग यूज़र क्रिएट किया है, तो मुझे AWS लर्निंग का यूजर आई नेम एंड पासवर्ड डालना होगा, मैं लॉग इन करूंगा तो मेरे पास एक पूरा मेल बॉक्स मेरा ओपन हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में वेब एप्लीकेशन ये URL बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना चाहिए क्योंकि इस URL के थ्रू ही आपका कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय जिसके लिए आपने मेल बॉक्स सेटअप किया है वो इसी URL के थ्रू लॉग इन कर सकता है। सो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं इसमें अभी हम लोग एक देखा हमने जैसे यूज़र बनाया, अब इसमें एक बार लॉग इन करने का कोशिश करते हैं। सो आपने देखा मेरा यहाँ पे URL आ गया AWSlearnings.AWSapps.com और यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा Amazon वर्क मेल में मैं लॉग इन कर गया हूँ। मैं कोशिश करूँगा, एक मेरे पास ये गूगल का ईमेल एड्रेस है तो मैं इस पर लॉग इन करने और एक ईमेल सेंड करने का कोशिश करते हैं, होपफुली आप देख सकते हो ये मेल कैसे काम करेगा।
ओके दोस्तों, तो आपने यहाँ पे देखा मैंने अपने अकाउंट से लॉगिन कर लिया है। एक मैं न्यू आइटम में जाता हूँ, मैं नया ईमेल सेंड करना चाहता हूँ, मैं इजीली यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ। अगर मैं टू पे क्लिक करूंगा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बाकी और यूजर्स भी जो आपने क्रिएट किए हैं वो इजीली आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अभी मैंने सिर्फ एक ही यूजर क्रिएट किया है तो मेरा यूजर एक ही दिखा रहा है। अगर मेरे ज्यादा यूजर्स होंगे तो मैं ज्यादा यूजर्स भी उस सारे लिस्ट में मेरी आ जाएंगे। और यहाँ पे किस ईमेल एड्रेस पे मुझे मेल करना है, तो मैं यहाँ पे अपना जो मेरा पर्सनल अकाउंट है यहाँ पे aws learnings@gmail.com, मैं यहाँ पे एक मेल भेजता हूँ। बाकी सारे ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं, जो भी नॉर्मली मेल बॉक्सेस में ऑप्शंस होते हैं वो सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे एनेबल मिलेंगे। अगर आप कैलेंडर यूज़ करना चाहते हो तो आप कैलेंडर भी यूज़ कर सकते हो। कैलेंडर, ये देखिए कैलेंडर का आइकन है और मैं यहाँ पे कैलेंडर पर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो कैलेंडर मेरा आ गया है। और अगर मैं इसमें अपनी कोई बुकिंग, कोई मीटिंग या कुछ और बुक करना चाहता हूँ तो मैं इजीली यहाँ पर बुक कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं कोई नया अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता हूँ, कोई मीटिंग बुक करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। कोई मैं अपना कॉन्टैक्ट्स, मैं अपनी एड्रेस बुक भी मैनेज कर सकता हूँ, अपनी जो पर्सनल एड्रेस बुक अगर मैं मैनेज करना चाहता हूँ तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे सेव हो सकते हैं। तो कंप्लीट मेलिंग सॉल्यूशन है, आप इजीली यूज कर सकते हो। आपने देखा कितनी इजीली मैंने अपना एक मेल बॉक्स एनवायरनमेंट सेटअप किया और कितना जो हेडेक होता है सर्वर्स इंस्टॉल करने का, ओएस डालने का, मैसेजिंग सॉफ्टवेयर डालने का, उसको सेटअप करने का, वो सारा ऑप्शंस यहाँ पे सारा एक्स्ट्रा वर्क ख़त्म है और मैं बहुत इजीली अपना कंपनी के लिए एक मेल एनवायरनमेंट सेटअप कर सकता हूँ और वो भी बहुत लो रनिंग कॉस्ट पे। सो आई फाउंड रियली दिस वेरी हेल्पफुल। दोस्तों हो सकता है आपको आई नो दैट आपको ये ऑप्शन, आपको ये फीचर पसंद आया होगा AWS लर्निंग का। अभी हम एक नया फीचर और चेक कर लेते हैं। सो दोस्तों, आपने अभी देखा वर्क मेल हमने यूज किया, आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, मेरा ये प्रेजेंटेशन किस तरीके से लगा बताना मत भूलिएगा। अगर आपको चैनल, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट आपके फ्यूचर्स के जो वीडियोज हैं आप वो देख सको। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं उस सब्जेक्ट को कवर करने का कोशिश करूँगा। इसलिए प्लीज़ डू कमेंट सो दैट मैं चेक कर सकूँ कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो दोस्तों, वर्क मेल के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट सर्विस पे, विच इज़ वर्क डॉक्स एंड विच इज़ ऑल्सो पार्ट। मैंने इस वर्क डॉक्स को इसी के अंदर इंक्लूड किया इसी वीडियो में, क्योंकि दोनों सर्विसेज एक ही जैसा पार्ट है तो आई डोंट वांट कि आपको अलग अलग यूज़ करना पड़े या आपको उसके लिए अलग अलग जाना पड़े। आप इजीली 20 मिनट्स की या 25 मिनट्स के वीडियोस में दोनों सर्विसेज कवर कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ नॉट वेरी हार्ड फॉर यू। और आप इजीली अगर एक वीडियो भी पर डे चेक करते हैं या पर वीडियो लर्न करते हैं तो आई थिंक यू कैन लर्न AWS इन वेरी वेरी क्विक टाइम। सो दोस्तों, अमेजन वर्क डॉक्स पे हम आ गए हैं और मुझे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो गेट स्टार्टेड नाउ। पर्पज़ आप समझ चुके हैं, पर्पज़ आप यहाँ पे अपने कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं और उस फाइल को पर्टिकुलर लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हम वहाँ पे शेयर करते हैं उन यूज़र्स के साथ में या बाहर के किसी यूज़र्स के साथ में शेयर कर सकते हैं और वो यूज़र्स इजीली उस फाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो आपको सारा हेडेक जो आपको शेयर करने का रहता था या आपको मैनेज करनी पड़ती थी हर फाइल अपने कंप्यूटर पर अलग अलग, वो सब खत्म हो जाता है और आप इजीली फाइल्स बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसका दूसरा फायदा ये भी हो सकता है कि अगर सपोज कीजिए आपको किसी यूज़र को कुछ हैवी फाइल सेंड करना है जो आप मेल के थ्रू नहीं भेज सकते हो, सपोज करो 100 MB का है, 200 MB का है, क्योंकि नॉर्मली मेलिंग एप्लीकेशन में 25 MB का रिस्ट्रिक्शन होता है, 25 MB से ज़्यादा के अटैचमेंट आप नहीं सेंड कर सकते हो, तो वो भी आप अमेजन वर्क डॉक्स के अंदर अपलोड कर सकते हो और वो लिंक उसको किसी भी एक्सटर्नल यूजर के साथ में शेयर कर सकते हो सो दैट उस फाइल का लिंक उसको मिल जाएगा और वो इजीली अपने पास डाउनलोड कर सकता है। तो ये भी एक दूसरा बड़ा बेनिफिट है। तो आपने देखा था दोस्तों, मेरे पास ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, ऑलरेडी एक डायरेक्टरी सेटअप है, सो मैं इसी डायरेक्टरी को यूज कर सकता हूँ, मैं इसी को इनेबल करूंगा तो मेरा यही AWS लर्निंग जो ऑर्गेनाइजेशन मेरा बना हुआ है,
क्योंकि अगर मेरी एक कंपनी है तो मेरा एक मैसेजिंग एनवायरनमेंट है, और इसी के साथ में मैं अपने वर्क डॉक का ऑप्शन भी इसी के साथ सेटअप करना पसंद करूंगा। तो मेरा एक यूजर है यहाँ पे AWS लर्निंग, जिसको मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा मेरा एक URL बन गया है, मेरी साइट प्रोविजन हो गई है, और मैं यहाँ पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैंने AWS लर्निंग को सेटअप कर दिया है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं सिंपली वर्क डॉक्स के लिंक पे क्लिक कर सकता हूँ, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो गई है यहाँ पे। और दोस्तों ये यूज ये ऑप्शंस नहीं भूलिएगा, ये URL बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्क डॉक के लिए यूज होगा। सो आपको ये URL अपने यूजर्स या एम्प्लॉयज के साथ शेयर करना होगा, और वो इस URL को यूज करके उसमें लॉग इन कर सकते हैं अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू। सो फर्स्ट टाइम जब आप वर्क डॉक सेटअप करते हैं, तो मैंने AWS लर्निंग को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है, मैं इससे लॉग इन करूंगा। AWS लर्निंग या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आप सेटअप करते हो फर्स्ट टाइम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके पास ये राइट्स होता है कि वो बाकी सारे यूजर्स को इनवाइट करे और बाकी सारे यूजर्स को ऐड करे। आप अपनी कंपनी के अगर एम्प्लॉयज को ऐड कर रहे हैं तो वो बहुत ईजी है यहाँ पर, और अगर आप किसी एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस को यूज़ करना चाहते हैं किसी एक्सटर्नल डोमेन के, तो वो भी आप इजीली इनविटेशन के थ्रू सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं कुछ फाइलें अपलोड करना चाहता हूँ, ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल मेरे पास आया कि अगर मुझे फाइल अपलोड करना है या शेयर करना है तो मैं इजीली यहाँ पे दे सकता हूँ, या मैं कुछ फीडबैक चाहता हूँ तो मैं वो भी इजीली यहाँ पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कंसोल आ गया, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस चेक कर लेते हैं मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अपलोड फाइल्स में जाएंगे तो आप जो भी फाइल्स अपना अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। आप कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो तो आप वहाँ पे इजीली फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। जो फाइल्स यूजर्स के साथ में शेयर है तो हर यूजर अपनी फाइल्स चेक कर सकता है कि क्या क्या फाइल्स मेरे साथ शेयर्ड है, उसके लिए वो शेयर्ड विद मी में जाएगा। आप किसी फाइल के रिगार्डिंग में कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ से देख सकते हो। आपसे कोई फाइल डिलीट हो जाता है तो आप रिसाइकल बिन से वो फैच कर सकते हो। अपनी प्रोफाइल आप सेटअप कर सकते हो, यहाँ पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, मेरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर हो गया, और हर यूजर को 1 TB का मेल बॉक्स मिलता है, 1 TB की स्टोरेज, आप देख सकते हो कितना अच्छा। आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, आप यहाँ पे सारे ऑप्शन सेट कर सकते हो। अगर आप स्टोरेज साइज चेंज करना चाहते हो, 1 GB से कुछ कम करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ये सारे यूजर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एप्लीकेबल होगा। आप चाहते हो कि यूजर्स आप सिर्फ अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज ही सिर्फ मेल्स फोल्डर्स फाइल्स एक्सेस कर पाए, आप किसी बाहर के यूजर्स के लिए नहीं चाहते कि बाहर के यूजर्स पे आप कोई फाइल शेयर कर पाओ, तो आप ये बिहेवियर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आप इसमें भी कुछ ऑप्शन चेंज करना चाहते हो, ओनली एडमिनिस्ट्रेशन कैन इनवाइट न्यू यूजर्स, आप ये भी चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि यूजर्स भी ये काम कर पाए तो आप उनको एक्सेस दे सकते हो। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप इजीली काफ़ी मैनेज कर सकते हो, और होपफुली आपका सारा रिक्वायरमेंट सफिशेंटली प्रोवाइड करता है। अगर आप मोबाइल के थ्रू चाहते हो एक कोई क्लाइंट डाउनलोड करना, जिस क्लाइंट के थ्रू आप सीधे फाइल अपलोड कर दो, तो वो भी कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए आपके पास सिंक फाइल का ऑप्शन है, एक्सेस एनीवेयर आपके मोबाइल्स के लिए ऑप्शन है। सो वर्क डॉक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके कंप्यूटर पर ही एक्सेस हो सकता है, ये आपके कंप्यूटर के साथ साथ आपको फोन से भी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो अगर आप ये क्लाइंट डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास एक अमेजन वर्क डॉक का क्लाइंट डाउनलोड हो जाएगा, और उस क्लाइंट के थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स इजीली अपलोड
ये डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ये डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है, सो लेट मी, आई थिंक मैंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटअप किया था, तो वो मैं आपको शो नहीं कर पाऊंगा इसमें। मीनवाइल जब तक ये डाउनलोड होता है, मैंने दिखाया आपको कि आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो, सो दैट इज नॉट अ वेरी बिग जॉब। गेट मोबाइल ऑप मैप एज यू सीन, मैंने आपको शो किया, वहाँ पे आप कोई मोबाइल ऐप अपना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सो अभी आपको नए यूज़र को इनवाइट करना है, आप चाहते हो किसी नए यूज़र को इनवाइट करना, वो कैसे करोगे? सो यहाँ पे उसके लिए इनवाइट यूज़र करना है। जिस यूज़र को आप इनवाइट करना चाहते हो, आप उसका ईमेल एड्रेस दीजिए। जो आप मैसेज देना चाहते हो, ये बाय डिफॉल्ट मैसेज है, अगर आप इसको कुछ कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो दोस्तों, और ये लिंक सेंड कर दीजिए। जैसे ही यूजर आप इसको सेंड करोगे, यूजर के पास एक मेल रिसीव होगा विद दीज डिटेल्स और एक लिंक। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेगा, वहां पर वो अपना नया पासवर्ड सेटअप कर सकता है। पासवर्ड सेटअप करने के बाद वो लिंक ओपन करेगा, जैसे हमने लिंक ओपन किया था, आपने देखा था यहाँ पे वर्क मेल का जो लिंक ओपन किया था, ये वाला। जैसे वो ये लिंक ओपन होगा, आप उस पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के वो यूज़र एक्सेस कर सकता है, लॉगिन कर सकता है एंड वर्क डॉक्स को इजीली एक्सेस कर सकता है। सो दोस्तों, यूजर्स को इन्वाइट करना हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो गया। अब अगर वो फाइल आपको शेयर करना है तो कैसे करोगे? आपको शेयर करने के लिए आपको फाइल सिलेक्ट करना है, यहाँ शेयर का ऑप्शन है, आप शेयर करोगे। सो आपके एड्रेस, आपकी कंपनी में जो जो यूजर्स हैं उन सब के नाम यहाँ पर आ जाएंगे, इसीलिए आप उनको सिलेक्ट करिए और सेव कर दीजिए वो फाइल का लिंक उन यूजर्स के साथ में शेयर हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास कितना सारा ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड, फाइल डिलीट करना चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, इट इज़ अ कम्प्लीट सॉल्यूशन, अप टू यू। मैंने फाइल पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये मेरा फाइल यहाँ पे डायरेक्टली ओपन भी हो रहा है। सो दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड राइट नाउ। आई होप यू लर्न वर्क मेल एंड वर्क डॉक्स बोथ, सो एंड आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। सो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सो दैट मैं मोटिवेट रहूँ और आपके साथ नए एक्साइटिंग वीडियो शेयर कर पा रहा हूँ, ताकि जो भी नया सर्विसेज आ रहा है AWS के लिए, आप लोग उसको इजिली लर्न कर पाओ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, चीयर्स।